हज़रत, अब वक्त हुआ है हमारे शुबे का अजाला, हमारे दूसरे सेगमेंट का। और शुबे का अजाला कुछ यूं है, किसी ने भेजा है और आम सी बात है लेकिन शायद बहुत इम्पोर्टेंट भी है। वो ये कि उन्होंने ये लिखा है कि जब हमें अल्लाह पर यकीन कामिल है, यानी अल्लाह जो चाहते हैं अल्लाह पाक वही होता है, ये हमारा दीन है, हमारा मानना है कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो उनका पूछना ये है कि जब ये बात है कि जो अल्लाह पाक चाहेंगे वही होगा, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी के रास्तों को बदलना क्यों चाहते हैं तावीज़ों से, वजीफ़ों से, चिल्लों से, मुख्तलिफ़ दुआओं से। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर भी इतने पढ़ने पढ़ाने की चीज़ें आ रही हैं कि ये करें और अमीर हो जाएं, और वो करें तो शादी हो जाए। और तो जब उन्होंने ये भी लिखा है कि शादियां तो तय हो जाती हैं, जोड़े तो अल्लाह मियाँ अल्लाह पाक बनाते हैं, तो जब जोड़े वहाँ से बन के आते हैं और वक्त भी मुकर्रर होता है, तो फिर परेशानी किस बात की? तो ये उन्होंने काफ़ी तफसील से, मतलब इसी सिलसिले में और भी तफसील उन्होंने लिखी। अच्छा। तो लेकिन लुबे लुबाब ये है इसका। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। असल में बात ये कि ये बात पता नहीं ना कि अल्लाह क्या चाहते हैं जी, तभी तो हम ये सारी भागदौड़ करते हैं। अच्छा, अगर हमें ये पता चल जाए कि अल्लाह ये चाहते हैं जी, तो फिर भागदौड़ की जरूरत ही नहीं है जी, क्योंकि इस पर मुत्तले तो को हो नहीं सकता कि अल्लाह क्या चाहते हैं जी। अल्लाह यहाँ रिश्ता करना चाहते हैं, यहाँ चाहते हैं, यहाँ चाहते हैं। चार लड़के हमारे सामने हैं, चार खानदानों की लड़कियाँ हमारे सामने। अब हमें तो पता नहीं अल्लाह इसमें से कौन सी चाहते हैं जी। तो अब हमारा काम यह है कि अब हम चारों जगह पर रिश्ते भेजें जी, तो जहाँ अल्लाह चाहते वो हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा। इसलिए तो हम ये सारी भागदौड़ करते हैं कि अल्लाह चाहते क्या है उस पर हम मुत्तले नहीं हैं, तभी हम रास्ते बदलते हैं। एक रास्ता बदलते हैं अपनी मालदार बनने के लिए, नहीं हो पाते तो दूसरा बदलते, फिर तीसरा, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि अल्लाह क्या चाहते हैं। हो सकता है कि अल्लाह दूसरा रास्ता चाहते हो, तो अदम इतला की वजह से तो सारी भागदौड़ है। अच्छा। लिहाजा ये एतराज़ ही गलत है कि यार अल्लाह जो चाहते वो हो जाएगा, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। और फिर दूसरी बात यह है कि असल में दुनिया में रहते हुए हमें जो है वो तकदीर के हवाले से बात करने की ज़रूरत ही नहीं है जी। क्यों? इसकी वजह यह है कि ये तकदीर का मामला मरने के बाद का है। तकदीर का मामला दुनिया में रहते हुए आप जो है अल्लाह अल्लाह के रसूल की हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारेंगे, आप तकदीर के फैसलों पर अपनी ज़िंदगी को जो है वो नहीं मोड़ेंगे। यही वजह है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो गलती हुई, आपने फल खा लिया, तो दुनिया में आने के बाद आप 350 साल रोते रहे, माफिया मांगते रहे, तौबा करते रहे, हैं आहोजारी करते रहे। लेकिन कहते हैं कि जब आपका इंतकाल हो गया तो वफात के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई हज़रत आदम से। अच्छा। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतराज़ किया कि बाबा जान आपने क्या किया, अच्छी भली जन्नत में ज़िंदगी गुजर रही थी, हम भी जन्नत में रहते, खाम खा आपने वो फल खाया, आपकी उस खता की वजह से हम सारे ज़मीन पर आ गए, और ज़मीन में जो मुशक्क़तें उठाई हमने अपनी उम्मतों की तरफ से, ये मुशक्क़तें आप वो ना करते तो हमें ये मुसीबत ना पड़ती। ये उन्होंने वहाँ आलम आखिरत में बात कर रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बाबा आदम ने कहा कि बताओ कि जिस चीज़ का फैसला अल्लाह ने मेरी पैदाइश से 40 साल पहले करके रख लिया था कि ये होगा, तो मेरी क्या मजाल मैं उसके खिलाफ करता? तो अल्लाह ने तकदीर में लिख ही दिया था कि मैंने फल खाना ही है और ज़मीन पर उतर नहीं है, तो मेरी क्या मजाल कि मैं अल्लाह के लिखे के खिलाफ कर पाता? तो ये कहा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हदीस में अल्फाज हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को बाबा आदम ने लाजवाब कर दिया, वो खामोश हो गए। तो मालूम ये हुआ कि तकदीर का हवाला ज़िंदगी में हम नहीं दे सकते, ज़िंदगी के बाद के मामलात हैं ये। तो ज़िंदगी में रहते हुए हमें वही करना है जो हुक्म है कि वह अजमिलु फि तलबी व तवक्कलु अलैह, कि नबी को भी अल्लाह ने ये हुक्म दे दिया कि आप जी अपने असबाब मुहैया करें किसी काम के करने के, फिर अल्लाह पर तवक्कल करें कि अल्लाह उस असबाब का नतीजा जाहिर करेंगे जी। आप खेती के अंदर बीज डालें, अब अल्लाह पर नतीजा छोड़ दें कि अब ये फसल उगेगी। आप मियां बीवी का मिलाप करें, अब अल्लाह पर छोड़ दें कि औलाद पैदा होगी। तो गोया कि ये असबाब इख्तियार करना आपका काम है, आप गोया कि इलाज करने के पाबंद हैं, शिफा पाने के पाबंद नहीं है। इसलिए हमारा काम इलाज करना हमारी जिम्मेदारी है, हमें सेहतमंद होना हमारी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि सेहत शिफा होता है ना अल्लाह का काम है जी।
تو اس لیے جو ہے دنیا کے اندر یہ تشدد جو افعال کا یہ اسی لیے ہے کہ ہمیں ایک تو اللہ کے منشا کی پتہ نہیں ہے، لہذا اور دوسرا کہ شریعت کا حکم یہی ہے کہ شرع فطر کے مطابق زندگی کے جو اسباب اختیار آپ کرتے رہیں جی اللہ اس کے نتائج ظاہر کریں گے جی. اور تیسری بات یہ کہ اللہ نے تقدیر میں جو یہ اگر لکھا ہے کہ یہ شخص جو ہے بیمار ہوگا تو اللہ نے یہ بھی لکھا کہ فلاں دوا سے ٹھیک بھی ہو جائے گا، فلاں ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، اللہ نے اسباب بھی ساتھ لکھے. اسی طریقے سے اللہ نے اگر یہ لکھا کہ اس لڑکی سے اس کا نکاح ہوگا تو اس میں تقدیر میں یہ بھی لکھا کہ اتنے مہینے بعد طلاق بھی ہو جائے گی. اچھا تو طلاق ہونا بھی تقدیر ہی کے اندر موجود ہوتا ہے جی. ہاں پھر طلاق کے بعد ایک اور لڑکی سے شادی ہوگی تو وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، پھر اس سے بھی انبن ہو کر طلاق ہو وہ بھی تقدیر کے فیصلے ہیں جی. تو اس ساری زندگی جو اللہ نے لکھ کے رکھی ہوئی ہے اور اپنے وقت پر انسان کے اپنے افعال و اعمال کے نتیجے میں وہ چیزیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں. بہت خوب. ایسے ہی ہے کہ جیسا ہم مانتے ہیں کہ رازق اللہ پاک ہے جی بالکل، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گھر سے کام پہ ہی نہ جائیں. بالکل یہی ہے نا، ہاں اسباب اختیار کرنا ہمارا کام جی. اب اللہ ہماری تقدیر کا رزق ہمیں اتار دے گا. اللہ سے اپنی تقدیر میں برکت مانگنا یہ اس کی دعا جائز ہے. بالکل برکت کی دعا ہر جگہ کرتا ہے انسان. بالکل.